डियर स्टूडेंट, कोर्स नंबर GPB 311 क्रॉप इम्प्रूवमेंट खरीफ, इसके अंतर्गत हम ब्रीडिंग इन ग्राउंडनट पढ़ रहे हैं और हमारा टॉपिक चल रहा है ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स इन ग्राउंडनट। पिछले वीडियो में हमने कुछ ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करे थे, आज के वीडियो में हम कुछ अगले ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स पर बात करेंगे। तो नंबर 5 पर ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। पहले तो हम उन डिजीज की बात करेंगे जो मेनली ग्राउंडनट क्रॉप में लगती हैं। तो पहला ग्रुप है फंगल डिजीज और स्पेशली जो फोलियर डिजीज हैं वो, तो अर्ली लीफ ब्लाइट, सर्कोस्पोरा, अरेकिडिकोआ, लेट लीफ स्पॉट, फियोसेरियोसिस पर्सोनेटा, रस्ट, पक्षिनिया अरेकाइडिस पाउडरी मिल्ड्यू, ओइडियम अरेकाइडिस, अल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट, अल्टरनेरिया अरेकाइडिस। सीड एंड सीडलिंग डिजीजेज, इस ग्रुप में कॉलर रोट, डिप्लोडिया गोसिपीना, क्राउन रोट एस्परजिलस नाइजर, स्टेम रोट स्क्लेरोसियम रोल्फसी, फ्यूजेरियम विल्ट फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, पोड रोट राइजोक्टोनिया सोलेनाई, अल्फा रोट एस्परजिलस फ्लेवस। नेक्स्ट ग्रुप है बैक्टीरियल डिजीजेज, इसमें मेनली बैक्टीरियल विल्ट, सूडोमोनास सोलन सीरम, बैक्टीरियल लीफ स्पॉट, जेंथोमोनास स्पीसीज, ये कोजल ऑर्गेनिजम्स हैं। फिर कुछ वायरल डिजीज भी इसमें ग्राउंडनट में लगती हैं, जिसमें स्पेशली पीनट बड नेक्रोसिस वायरस, पीनट येलो स्पॉट, ग्राउंडनट रोजेट वायरस। कुछ नेमेटोड्स भी इस पे इन्फेक्शन करते हैं, रूट नोट लगता है मेलेडोनोगाइन स्पीसीज और काला अस्थि मेलेडी। ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस हैव रिसीव्ड हायर प्रायोरिटी सिंस लेट 70s। हाउएवर ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ केमिकल्स फॉर डिजीज कंट्रोल, ब्रीडिंग ऑफ फॉर डिजीज रेजिस्टेंस वॉज नॉट गिवन टॉप प्रायोरिटी बाई ब्रीडर्स इन अर्लियर पास्ट। यानी कि समुचित जो केमिकल्स हैं, जो रसायन हैं, जो दवाइयाँ हैं, उनकी व्यवस्था थी, और चूँकि एक बहुत कॉमर्शियल क्रॉप है ग्राउंडनट, इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया गया कि ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस करें। लेकिन 1970s और 80s के बाद में इस पर काफ़ी काम ब्रीडर्स ने अटेंशन किया है। स्क्रीनिंग मेथड्स एंड सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस टू इम्पोर्टेंट डिजीजेज आर अवेलेबल विद ब्रीडर्स नाउडेज फॉर मेजर डिजीजेज इन ग्राउंडनट। हाउएवर नॉट मच सक्सेस हैव बीन अचीव्ड इन ब्रीडिंग फॉर रेजिस्टेंस टू मेजर फोलियर डिजीजेज, ऑल्दो सम कल्टीवर्स हैव बीन रिलीज्ड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव है ब्रीडिंग फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले जैसे डिजीजेज की तरह ही जो मेजर इंसेक्ट पेस्ट हैं उनकी बात करेंगे पहले, तो इसमें भी अलग अलग ग्रुप है। पहले सकिंग पेस्ट जैसे कि लीफ माइनर, एप्रोइरेमा मोडिसिला, एफिड्स एफिस क्रेसिवोरा, जेसिड्स एम्पोसोका केरी, थ्रिप्स कैलियोथ्रिप्स स्पीसीज। दूसरा ग्रुप है लीफ ईटर्स, जिसमें मुख्य और मेजर इकोनॉमिक लॉस देने वाला जो इंसेक्ट है रेड हेयरी कैटरपिलर, एमसेक्टा एल्बिस्ट्रिगा, टोबेको कैटरपिलर, स्पोडोप्टेरा
लिट्यूरा, व्हाइट ग्रब, होलोट्राइकिया स्पेसीज। ग्राम पोड बोरर, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। अगला ग्रुप है जो स्टोरेज पेस्ट है, स्टोरेज इंसेक्ट है, ब्रूकिड बीटल, केरिडॉन सेरेटस। फिर कुछ सोइल पेस्ट भी हैं, सोइल इंसेक्ट भी हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि वाइट ग्रब, एपोगोनिया स्पीसीज एंड टर्माइट्स, माइक्रोटर्मिस स्पीसीज। इनमें जो स्टार्ड जो इंसेक्ट हैं वो इकोनॉमिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ग्राउंडनट के लिए, यानी जो फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनको हमने स्टार करके अलग से हाईलाइट किया हुआ है। तो ये ज़रूर ब्रीडर को ध्यान में रखना चाहिए कि ब्रीडिंग फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए काम करते समय इन इंसेक्ट के बारे में विशेष अटेंटिव रहने की ज़रूरत है। सो मॉडरेट डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस विच इज लिमिटेड टू सकिंग इंसेक्ट्स ओनली लाइक एफिड्स, जेसिड्स, थ्रिप्स एंड लीफ माइनर्स आर अवेलेबल इन कल्टिवेटेड जर्मप्लाज्म। हाउएवर द ट्रांसफर ऑफ दीज इनटू हाई यील्डिंग बैकग्राउंड्स हैज नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल ड्यू टू लैक ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन आइदर ऑन द होस्ट रेजिस्टेंस और ऑन द वायरुलेंस ऑफ द पेस्ट। White grub is a complex group of polyphagous species. It may not be possible to breed for resistance to them in the near future, at least by conventional breeding methods. Generalization protection through BT or similar gene may helpful for future in this regard. Next breeding objectives are breeding for fresh seed dormancy. Sprouting of seed when caught in the end season rains is a problem in rabi or summer groundnut in India, which accounts for over 14% loss of total groundnut produced. In situ sprouting is especially the problem in Spanish cultivars, which lacks fresh seed dormancy as a rule. Very little has been done for inducing seed dormancy in Spanish types. So this is all about the breeding objectives. इनके अलावा और breeding objectives जो important हैं उनको हम अगले वीडियो में discuss करेंगे।